हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केडी टेक प्रो। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के कलरफुल ड्रोन की, जिसके तीन अलग अलग वेरिएंट जो है आते हैं, जिसमें से हमने सबसे बेस्ट कलरफुल वेरिएंट लिया है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ बॉक्स के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी वार्निंग्स दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉयल जनरेशन, जो कि आता है 6S Zyro के साथ। इसका मॉडल नेम है H235। एंड चलिए हम जो है बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो फटाफट से ये जो है हमने बॉक्स ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल ड्रोन। अब मैं क्या ड्रोन और इसके यूज़र मैनुअल, और ये दूसरा यूज़र मैनुअल है जिसमें इसकी ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, एंड्रॉयड और iOS के बारे में, जिससे बारकोड को स्कैन करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है इसका, इसमें हमारा फ़ोन स्टैंड है हमारा, जो कि लगेगा रिमोट के ऊपर की तरफ। और उसके बाद ये है हमारा ड्रोन, देख सकते हैं आप बहुत ही कमाल का इसका प्रिंट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस ड्रोन में। और ये है इसके लेग्स और ये है इसके कैमरे। तो कैमरा भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका, बहुत ही यूनिक लुक के साथ है, गोल सा बिल्कुल। और इसी के साथ साथ कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स जो है आ जाते हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये है इसके एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, जो कि दो दिए गए हैं, और इसके अंदर है एक USB और एक स्क्रू ड्राइवर। तो चलिए देख लेते हैं ये अब क्या है, इसको भी निकाल लेते हैं। निकल ही नहीं रहा है, अरे निकल ही नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा ऊपर से निकल गया। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, ये है ड्रोन के नीचे की तरफ जो लगेंगे लैंडिंग के लिए। तो चलिए इसको भी हम सेट करके देखेंगे, इसको पहले रखते हैं साइड में। तो ड्रोन आप देख सकते हैं कितना कलरफुल है, मैं आपको ठीक से दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से इसमें जो भी है इनको हम फटाफट से जो है सेट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर बैटरी कौन सी लगी हुई है। ये आगे से ओपन होगा, पीछे से हो ही नहीं रहा। अरे अरे, हाँ अब वो। तो ये मैंने ओपन कर लिया है, और उसके बाद देख सकते हैं बैटरी जो इसकी 500 mAh की है, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लाई टाइम हमें दे देती है। लेकिन बहुत ही अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट का फ्लाई टाइम ईजिली हमें मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से जो है हम इसका कैमरा जो है इससे कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मैं इसे फर्स्ट टाइम जो है सेट कर रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है। तो ये थोड़ा सा लगाने में मुझे दिक्कत हो रही है। और उसके बाद ये जो 3 पिन है ये कैमरे के, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ठीक तरीके से इसको जो है अटैच कर लेना है। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। एंड उसके बाद जो इसके नीचे की तरफ लगाएंगे हम इसे, जो कि लैंड करने में मदद करेगा ड्रोन के। तो ये भी हम फटाफट से जो है सेट कर लेते हैं इसको। तो ये जो हमने जो है चारों इसके लगा दिए हैं, और हमारा ड्रोन जो है फ्लाइंग के लिए जो है रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार पास से आपको इसको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर दें। तो देख सकते हैं पास से बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो मैं फटाफट से जो है अब इसकी एप्लीकेशन जो है कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। ये हमारा फ़ोन रेडी है कनेक्ट होने के लिए। तो फटाफट से हम जो है इसकी, ये जो पिन आप देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पर लगा लेना है बैटरी की पिन को, और ये है जो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है स्टार्ट हो चुका है, इसकी लाइट जो है ब्लिंक करने लगी है।
फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले वाईफाई जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसका एक वाईफाई आ जाएगा, उसको सिंपली कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको एप्लीकेशन ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो है कैमरा स्टार्ट हो चुका है, जो कि मेरे फ़ोन स्क्रीन पर लाइव दिख रहा है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर रिमोट जो है दिख पा रहा होगा आपको। चलिए मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ एक बार। ये तो इसका जो कैमरा है, कैमरा काफ़ी कमाल का है, मेरे को तो काफ़ी सही लग रहा है इसका कैमरा। ये देख सकते हैं आप इसकी जो लाइट जल रही है आगे की तरफ ऑन करने के बाद, जो कि बहुत ही कमाल की लग रही है। तो इसको जो हम फटाफट से जो है रिमोट के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को, तो हमारा रॉकेट जो है अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब हम रॉकेट को बाहर लेके चलते हैं और अपने रॉकेट को उड़ाते हैं। जल्दी तो दोस्तों ड्रोन तो बहुत ही कमाल का है। आपको कैसा लगा ड्रोन कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है फटाफट से जो है लाइक कर देना है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि ड्रोन जो है बहुत ही अच्छा फ्लाई कर रहा है। अभी ग्राउंड में ज़्यादा तेज़ हवाएं तो नहीं चल रही हैं, लेकिन नॉर्मल हवाओं में भी काफ़ी अच्छा जो है ये फ्लाई कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें, अगर इसमें कोई चीज़ मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही तो वो है इसका कैमरा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा क्वालिटी ठीक है, बट जो है स्टेबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा स्टेबल जो नहीं है, ड्रोन तो स्टेबल उड़ रहा है बट रिकॉर्डिंग जो है स्टेबल नहीं हो पा रही है। और आप देख सकते हैं इसमें 360 रोल ओवर बहुत ही कमाल का लग रहा है, और ये देख सकते हैं कितना अच्छा जो है स्टेबल हो जा रहा है ये हवा में। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी कंपनी का ड्रोन ज़्यादा बेस्ट लगता है और कौन सा ड्रोन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना सारे के सारे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपको ये ड्रोन पसंद आया है और आप इसको बाय करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा और यहाँ स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट करके इसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं ड्रोन्स वगैरह की डील्स भी करता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई ड्रोन लेना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।